वेलकम टू द चैनल अभिलाष कोच एंड एजुकेशन आज का टॉपिक है टेंस जिसे हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है इसको समझ डाला तो इंग्लिश झिंगा लाला <laughs> अब चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो थोड़ी सी मुंबई या भाषा में बात करते हैं आज तो बीड़ू लोग खाली सुनने का नहीं एक पेन और नोटबुक लेके बैठने का और प्रॉपर नोट्स बनाने का ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे कंफ्यूज करने वाला और बोले तो कठिन टफ टॉपिक है सो सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठें और इसके आगे जो बड़े बड़े चार्ट्स आएंगे उसके बड़े चार्ट पेपर में नोट्स बनाइएगा इजीली समझ में आएगा सो बेसिकली वॉट इज टेंस इन ग्रामर टेंस कैटेगोरिकली एक्सप्रेसेज द टाइम वेन अ स्टेट और एक्शन डिनोटेड बाई अ वर्ब ऑकर्स और हैपेंड यानी कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं सो so किस वक्त वो चीज़ हुई है पास्ट में हुई है या प्रेजेंट में हुई है या फ्यूचर में होगी इन तीनों टेंसेस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना बड़ा ही जनरल कंफ्यूजन है इज़ एम आर वॉज वर हैड हैज़ हैव कब लगाया जाता है ये आज के लेक्चर में क्लियर होगा सो so, जैसा कि हमने पहले देखा कि हिंदी में इसे काल या समय कहते हैं पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट में आता है और फ्यूचर की तरफ जाता है तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में करना है प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंक्लूड होंगी टाइप्स ऑफ टेंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर समय का चक्र गोल गोल घूमता रहता है महाभारत सीरियल में स्टार्टिंग में ही डायलॉग आता है समय का पहिया जो गोल गोल घूमता रहता है सो आइए समझते हैं ये तीनों इंग्लिश में एक्चुअली है क्या सो क्या सिर्फ ये ही तीन टाइप्स हैं टेंसेस के इज़ दे ओनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस द आंसर इज नो इसके सब पार्ट्स होते हैं जो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेंगे सो देर आर फोर मोर सब पार्ट्स ऑफ टेंसेस दे आर सिंपल और इनडेफिनेट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सो वो तीन टेंसेस प्रजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के सब पार्ट्स हैं तीनों के सिम्पल इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट प्रजेंट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लाइक वाइज पास्ट इंडेफिनट पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर में आते हैं सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सो ये कुल मिला के कितने हो गए बारह थ्री इंटू फोर ट्वेल्व यहाँ जैसा कि फ़ाइनली आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब

लेट इज ये एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल सिम्पल पास्ट या पास्ट इनडिफिनिट डि नोट्स वेन एन एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट और इज ओवर जो चीज़ हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे सारे टेंसेज को शी फिनिश्ड वर्क एक ही एग्जाम्पल इसलिए लेंगे बिकॉज इट विल भी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेसर पास्ट जो हो चुका है प्रेजेंट इनडेफिनेट और सिंपल प्रजेंट जनरली एक्सप्रेस है बिचुअल और जनरल ट्रूथ शी फिनिशेज हव वर्क मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कन्वर्ट करिए सिंपल पास सेंटेंस को सिंपल प्रजेंट स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है सो दिस इज़ हाउ इट विल गो आगे जा कर के इसके फार्मूले मिलेंगे विच विल बी ईजिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइजली Simple future, your future indefinite. It is an action which is used to talk about an action that is expected to take place in future upcoming time. She will finish her work. She will finish her work. Clear now, come to the continuous subpart. Past continuous expresses an action.

A structural form of the sentences let's jump to the present continuous an action that is in progress it means it is continuing at the time of speaking she is finishing her work i'll be over she is finishing her work future continuous denotes an action that we think to be going ऑन और बींग डन इन द सम इन द टाइम टू कम इसका स्ट्रक्चर बनेगा शी विल भी फिनिशिंग हर वर्क सो जॉट डाउन ऑल दीज एग्जाम्पल्स एक बार में नहीं क्लियर होगा बट आई प्रोमिस बाय द एंड ऑफ द लेक्चर इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू बट यू हैव टू मेक द नोट्स फॉर द सेम रेजोल्यूशन की वजह से इनको अलग अलग बनाया गया है बट आई प्रेफर ये पूरा चार्ट आप एक ही जगह पर बनाइएगा ट्राई टू मेक इट इन अ लॉन्ग नोटबुक यूज़ बोथ साइड पेजेस एंड मेक वन सिंगल चार्टो लेट्स कम टू द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट डे नोट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन शी हैड फिनिश्ड हर वर्क पास्ट की बात कर रहा है एंड जिसकी बात कर रहा है वो एक्शन हो चुका है किसी दूसरे क्रिया वर्ब या एक्शन के होने के पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है सो शी हैड फिनिश्ड अ वर्क प्रेजेंट परफेक्ट एन एक्शन दैट हैड हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट बट हैज़ रेलेवेंस इन द प्रेजेंट एज़ वेल पास्ट परफेक्ट में क्या था वो ख़त्म हो चुका है बट प्रेजेंट परफेक्ट में उसका रेलेवेंस पास्ट से शुरू हुआ है बट उसका रेलेवेंस प्रेजेंट तक है शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क छोटे छोटे चेंजेस अभी सिर्फ माइंड में लेके चलो आगे क्लियर हो जाएंगे जैसे यहाँ पे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क लिखा है शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क लिखा है दिस हैड एंड हैज़ ओनली मेक द डिफरेंस फ्यूचर परफेक्ट

अब यहाँ पे हैव इज़ यूज एज एन एक्सेप्शन जनरली सब्जेक्ट व एग्रीमेंट में शी ही या सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वो भी आता है बट यहाँ हैव एक्सेप्शन में है इनके एक्सेप्शन हम एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे जो अपकमिंग वीडियोज में अपलोड होंगे सो so, अभी टेंस पे फोकस करिए उसको समझिए नेक्स्ट पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसी चार्ट का कंटिन्यूएशन है सो so, एक ही जगह बनाइएगा रेजोल्यूशन की वजह से वीडियो में अलग अलग बनाना पड़ा है सो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस डे नोट्स एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैविंग स्टार्टेड इन द पास्ट पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ है एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल शी हैड बिन फिनिशिंग हर वर्क सेंस एट ओ क्लॉक सेम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया गया है फ़ॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल होता है सेंस एंड फॉर अमूमन ये दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं जैसे आप देख सकते हैं सिंस एट ओ क्लॉक एंड फॉर लास्ट थ्री डेज शी हैड बिन फिनीशिंग हव वर्क सेंस एट ओ क्लॉक शी हैड बिन फिनिशिंग अ वर्क फॉर लास्ट थ्री डेज अब यूज ऑफ सिंस एंड फॉर क्या है सेंस वी यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या था एट ओ क्लॉक सिक्स पी एम टेन पी एम एंड फॉर इज जनरली यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं फॉर लास्ट थ्री डेज फॉर एनी ईयर नाव विल सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट Having started some time in the past past, me shuru hua hai progress me hai abhi bhi. so that will come under the category of present perfect continuous. Example She has been finishing her work since dot dot dot, and she has been finishing her work for dot dot dot. Here you uh, fill in the blank. सेंस कब यूज़ होगा फॉर कब यूज़ होगा ये समझाया जा चुका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इज़ यूज टू स्टेट एन एक्शन दैट हैविंग सम टाइम इन द फ्यूचर एंड विल बी इन प्रोग्रेस फर्दर ऑन फ्यूचर में शुरू हुआ है एंड यह आगे होगा अमूमन हम लोग जनरली इसको इस्तेमाल बात करने के लिए नहीं करते हैं जनरल कॉन्वर्सेशंस में नहीं ऐड होते हैं ये इनका इस्तेमाल या तो जब मूवी वगैरह में कुछ इमेजिनेशन या नावल वगैरह में फ्यूचर में कुछ होने वाला है या ऐसा हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसे एग्जाम्पल शी हैव बीन फिनिशिंग हर वर्क सिंस शी विल हैव बीन फिनिशिंग हर वर्क फॉर हियर आल्सो द ब्लैंक इज़ गिवन फॉर यू फिल अप अगेन रिपीटिंग नोट्स बनाते चलिएगा वरना ये सब देख कर के सुन करके कोई फायदा नहीं होने वाला है नाओ वी विल अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब चार फॉर्म्स वर्ब के आई एम एक्सप्लेनिंग यू हीयर वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉम टेक्निकली वी वन इज द बेस फॉर्म वी टू सिंपल पास्ट वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल एंड वी फोर प्रजेंट पार्टिसिपल टेक्निकली इसे जेरेंड भी कहा जाता है जेरेंड इज़ नथिंग बट एनी वर्ब प्लस आई एन जी इज कॉल्ड जेरेंट यहाँ कुछ ऐसे वर्ब्स की लिस्ट बनाई हुई है जो आपको ईजी रहे समझने के लिए कि कैसे फॉर्म्स ऑफ़ वर्ब चेंज होते हैं लाइक गो गो वेंट गॉन गोइंग ईट एट ईट एन ईटिंग अराइज अरोज अराइजन अराइजिंग अवेक अवोक अवेकन अवेकिंग बी बी एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जिसके टाइप्स हैं इज एम आर बहुत कम लोगों को पता होता है ये क्लियर नहीं होता है ग्रामर में बी के ही फॉर्म होते हैं जैम आर पास्ट सिंपल में ये वॉज वर्क की तरह इस्तेमाल होते हैं पास्ट पार्टिसिपल बीन एंड वी फो जेरन में भींग बिगिन बिगे बिगन, बिगन बिगनिंग ब्लो ब्लू, ब्लू ब्लोन ब्लोइंग कैच कॉट कॉट कैचिंग डू डेड डन डूइंग ड्रॉ ड्रू ड्रॉन ड्रौ, ड्राॅइंग सो so, ये हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब कुछ हैं ये मत समझ लेना कि यही सारे हैं यू हैव टू सर्च इट आउट इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट गूगल एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ब सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अब मुझे मालूम है आप लोग यही ट्रिक्स वाली चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब तक ट्रिक्स नहीं दिया इसको समझने के लिए सो हियर आर द ट्रिक्स सबसे पहले हम समझते हैं कुछ एब्रीविएशन जो इस चार्ट में इस्तेमाल किए गए हैं एस जहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट है दैट कुड बी एन ए नाउन वी वन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म वी टू वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म वी थ्री वर्ब इन द थर्ड फॉर्म वी फोर वर्ब इन द फोर्थ फॉर्म ओ कैन बी एनी ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू इज द अदर वर्ड्स एंड पी इज़ द प्रेडिकेट चार्ट बनाइएगा और बनाते बनाते समझिएगा यहाँ पे जो पास्ट प्रजेंट फ्यूचर के सब पार्ट्स हैं सिंपल इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इसके साथ एच वी एम वी दिया हुआ ये क्या है एच वी इज़ द हेल्पिंग वर्ब एम वी इज द मेन वर्ब हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और एक मेन वर्ब लगता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ऑल ट्वेल्व काइंड्स इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस करने के ऊपर ही आएगा ये इट इज सेम लाइक मैथ्स इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वॉन्ट एक्सेल सो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो so यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जनरली आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर एग्जांपल डिड या यूज टू यानी कि वर्ब इन द सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है एंड सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ओ ओ डब्ल्यू और प्रेडिकेट नाउ मैच द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला विद द सेंटेंसेस व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन द पास्ट आपने नोट्स बनाए होंगे ऑफ कोर्स नहीं बनाए हैं तो अभी बनाइए वापस स्टार्टिंग से तभी समझ में आएगा सो so ये एक्जैक्ट मैच करेगा जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है वो आपके एग्जैक्ट सेंटेंस से मैच करेगा नाउ कम टू द पास्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं वॉज या वर वॉज़ इज़ ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर नाउन एंड वर इज़ यूज विथ प्लूरल नाउन वर्ब यूज हीयर

वी थ्री वर्ब इन द थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ओ और पी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन का इस्तेमाल होता है वर्ब वही सोइंग खाइंग पिंग वाला वी फोर जेरेंड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मिल भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फो प्लस यहाँ पे सेंस या फॉर का भी इस्तेमाल होता है ध्यान से लिख के दोनों भी चीज़ें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसके नीचे सेंटेंस ठीक वैसे ही जैसे हम मैथ्स में करते हैं फॉर्मूला लिख करके वैल्यूज अप करते हैं वैसे करिए समझ में आएगा नाउ कम टू द सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल डू डज इस तरह के गो go, गोज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं दैट मीन्स वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म एस प्लस वी वन प्लस ओ ओ डब्ल्यू और पी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर बी के फॉर्म इज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर ही शी इट एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है आई एम गोइंग टू द मार्केट आर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के साथ यहाँ ट्रिक मिल गई हमें एक कि कॉन्टीन्यूस में जहाँ कॉन्टीन्यूस वर्ड आया वहाँ पे इंग वाला लगेगा खाइंग पीइंग सोइंग लेटिंग उठिंग बैठिंग समझ गए सिटिंग ईटिंग लाइंग सेंग ये वाले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अभी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगा है तीनों एक साथ नहीं लगाएंगे इनमें से कोई एक लगेगा और वो एक कब लगता है ये बता चुका हूँ मैं प्लस वीफो प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ऑफ प्रेडिकेट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट जब आता है तो जो हैड था पास्ट में वो बदल जाता है हैज़ या हैव में पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा ही नहीं रहता बट प्रेजेंट में हैज़ और हैव एज़ पर द रिक्वायरमेंट अगर आप का सब्जेक्ट सिंगुलर है सो so हैज़ लगेगा प्लूरल है सो so हैव लगेगा मेन वर्ब यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स या प्रेडिकेट सेंटेंस से मैच करिए तो ही समझ में आएगा सुनने से नहीं आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं सो so, एक और ट्रिक हमें यहाँ मिल गई परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में बीन ज़रूर लगता है सो so, पास्ट में जैसे हमने देखा हैड बीन लग रहा था यहाँ पे हैज़ या हैव बीन लगेगा हैज कब लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव कब लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और कंटीन्यूस है सो so, ट्रिक मिल गई है वी फोर लगेगा समझ गए आई एन जी वाला सेंस एंड फॉर सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस वी फो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंस और फॉर एंड प्लस टाइम पीरियड सेंटेंस बनाओगे तब समझेगा ये नहीं बड़ा फॉर्मूला देख करके डर गए द लास्ट वन फ्यूचर इनडेफिनेट सिम्पल फ्यूचर ये ध्यान रखना कि फ्यूचर सिंपल नहीं बोला जाता है इट्स सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रजेंट सिंपल पास्ट एंड इनडेफिनेट अगर यूज़ करना है सो पास्ट इनडेफिनेट प्रेजेंट इनडेफिनेट फ्यूचर इनडेफिनेट उल्टा पुलटा मत कर देना यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है ये विल एंड शैल वर्ब मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ वी वन स्ट्रक्चरल फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और प्रेडिकेट कॉन्टिन्यूस मेन वो भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस हमको मालूम है बी फोर ही होगा हेल्पिंग वर्ब विल के साथ बी लग जाएगा सो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्रेडिकेट परफेक्ट यहाँ भी ट्रिक है परफेक्ट में सारी जगह पे वी थ्री का ही इस्तेमाल होता है सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस

सिंस फॉर एंड अ टाइम पीरियड कहा था कॉम्प्लिकेटेड है बट जो लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं सेंटेंस के साथ कुछ अपने सेंटेंसेस भी ट्राई कर लो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू अगर जैसा कहा है वैसा फॉलो करोगे तो पीछे वाला स्लाइड थोड़ा हेक्टिक था कई लोग काफ़ी थक भी गए होंगे एक छोटा सा रिविज़न एग्जाम्पल करते हैं एक चार्ट बनाओ पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल एंड डेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इतना ही लिखना एंड बाकी जो सेंटेंसेस हैं उन्हें ब्लैंक रखो एक कोई और सेंटेंस लो अपनी मर्जी का जैसे हमने शीफिनिश वर्क लिया था उसको हमने बारह टाइप्स में कन्वर्ट किया एक कोई फ्रेश सेंटेंस लो और उसको बारह टाइप्स में कन्वर्ट करो चार पांच सेंटेंसेस चार पांच ऐसे चार्ट रिवीजन एग्जाम्पल में बनाओ आई बेट इट विल बी क्लियर फॉर यू फॉर एवर सेंस एंड फॉर वापस रिपीट कर रहा हूँ कभी इस्तेमाल होता है सेंस इज़ ऑलवेज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा अपकमिंग टॉपिक जिसके ऊपर अगला लेक्चर आएगा एक्चुअली ये पार्ट अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है जो हमने डील किया है दैट वी हैव डेल्ट ओनली विद द एफमेटिव सेंटेंसेस देर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सो पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें उसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में हम प्रैक्टिस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तब जा कर के टेंसेस क्लियर होगा पूरी तरह से सो बीड़ू लोग टेंशन नहीं लेने का ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करने का नोट्स प्रॉपरली बनाने का लॉन्ग नोटबुक में एक पेज में नहीं आ है सो दोनों तरफ का पेज यूज़ करने का बड़ा बड़ा चार्ट पेपर से दीवाल को भर देने का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा दस दिन तक कम से कम बीस सेंटेंसेस रोज़ जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो उसको बनाने का एक दिन का लेक्चर सुन के भेजा में नहीं घुस जाएगा ये सो प्रैक्टिस करते रहने का और जो भी डाउट वगैरह है वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे डालने का अपने फ़ीडबैक सजेशन रिमार्क्स देते रहने का मामूलों को <laughs> Jokes apart, important points to follow. Do make notes properly in a long notebook. Chart has to be made in chart papers or long, long notebook covering both side pages for better understanding. Do practice regularly for at least 10 days to convert 20 sentences into all 12 forms that we had discussed to understand and excel in tense and its forms hope you have enjoyed the session do interact in youtube comment section regularly share your feedback suggestions and remarks at last request of sabi say do share our youtube channel in all your contacts and social media abilash coach and educationist Serving students since 2008. Do subscribe our channel and share it with your friends. And thanks for the overwhelming response all over India. And uh, now I feel proud that we are getting appreciations not only from India but across the world. Thank you so much for watching the channel and giving your valuable time. एट लास्ट जो लोग इस वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पिछले मिस हुए सारे लेक्चर्स को देख लें तभी लिंक आपस में जुड़ेंगे और ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वेलेबल टाइम हैव अ ग्रेट डे अहेड गुड बाय